मैं इस वक्त हूँ मनाली में और ये है फरवरी की पहली स्नोफॉल। मैं 5 दिन पहले यहाँ आया था और तब से वेट कर रहा था कि कब 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 गिरेगी बर्फ। फाइनली आज बर्फ गिर गई। जब पूरी प्रकृति आप पर मेहरबान हो तो स्नोफॉल होती है। उस पल मुझे यही एहसास हुआ मानो उन रूई के फाहों सरीखी बर्फ के रूप में प्रकृति अपना प्रेम अपनी ममता हम पर लुटा रही हो। मुझे बारिश में भी हमेशा ऐसा ही महसूस होता है कि वह आकाश हम पर बरसता ही है हमें छूने के लिए, हमें दुलारने के लिए। धरती से पानी उठाना, उसे बादलों का रूप देना, यह सारी कवायद, सारे प्रयास इसीलिए क्योंकि यह प्रकृति हमें प्रेम करती है, हर जीवन से प्रेम करती है और वो यह प्रेम जताना चाहती है। मैं अक्सर जो महसूस करता हूँ उसे तर्कों की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता, परंतु मेरा ऐसा मानना है जब हम लॉजिक्स के परे जाते हैं तो हमारी महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है। मुझे लगता है जब इंसानी जीवन मात्र तर्कों से चलने लगता है तो जीवन की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। जो बालक चांद को मामा और वो जवां दिल जिन्हें चांद में महबूब दिखता है, वो उनकी तुलना में चांद को ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं जो उसे बस धरती का एक नेचुरल सैटेलाइट भर समझते हों। जिस पल मैंने चांद को मामा या महबूब समझना शुरू किया, चांद विज्ञान की किताबों से बाहर निकल आया और मेरे जीवन से जुड़ गया। मेरे लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खुल गए। अपने जीवन की इस पहली स्नोफॉल को भी मैं तर्कों और विज्ञान के पिंजड़े में कैद नहीं करना चाहता। मैं तो इसे स्वच्छंद रूप से अपनी यादों में, अपने रोम रोम में विचरने देना चाहता हूं। जीवन की पहली स्नोफॉल मुबारक हो अनुपम। स्टे लॉजिकल, स्टे स्ट्यूपिड, लिव एज एन इडियट।